अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास, आज आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन करना है, शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाई इज़ द मोस्ट ऑफ द अर्थ वाटर सॉल्टी, ज़्यादातर ज़मीन का पानी नमकीन क्यों है। ओशन वाटर इज मिक्सचर ऑफ डिजोल्व गैसेज एंड सॉल्ट इन प्योर वाटर, दी मेजर डिजोल्व सॉल्ट आर सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट्स, कैल्शियम सल्फेट, ETC। सोडियम क्लोराइड इज़ द मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट इन ओशन वाटर, समुद्रों के पानी में नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वो पानी नमकीन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ़ वाटर रन्स डाउन हिल्स टू द सीज व्हाट आर सम वेज द फ्रेश वाटर बिकम्स पोल्यूटेड। वो कह रहे हैं कि पानी जो है वो समंदरों में अगर डाउन हिल ऊपर पहाड़ों पर से बर्फ़ पिघलने की वजह से आता है तो फिर वो पोल्यूटेड कैसे हो जाता है, गंदा कैसे हो जाता है। आंसर है फ्रेश वाटर बिकम्स पोल्यूटेड ड्यू टू एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस कमिंग फ्रॉम सीवेज वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड फर्टिलाइजर्स। जो हमारे इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट हैं, सीवेज वाटर है और फर्टिलाइजर्स वगैरह जो खादे वगैरह इस्तेमाल होती हैं, उन सब के वेस्ट पानी में शामिल कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पानी जो है फ्रेश वाटर वो पोल्यूटेड हो जाता है, गंदा हो। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट 5 है आपका, व्हाई क्लीन वाटर इज़ नॉट नेसेसरली सेफ टू ड्रिंक। जो साफ पानी होता है वो, जो क्लीन वाटर साफ पानी होता है वो सेफ क्यों नहीं होता पीने के लिए। क्लियर वाटर में कंटेन हार्मफुल डिजोल्व सॉल्ट्स एंड जर्म्स विच आर नॉट सीन थ्रू नेकेड आइज। कह रहे हैं कि जो साफ पानी होता है उसमें जरासीम होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आते।